महरीन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लावर्स, हम फ्लावर्स पढ़ेंगे। हाँ, आपको सारे फ्लावर्स का नाम याद करके मुझे बताना है। तो फर्स्ट फ्लावर का नाम है सनफ्लावर। सनफ्लावर रोशनी आती है। अच्छा, मामा का फेवरेट फ्लावर कौन है पता है तुम्हें? मामा का फेवरेट फ्लावर है रोज। कौन सा है? मेरा फ्लावर है ये, नहीं ये मेरा फ्लावर है ये फूल के। नहीं तो नेम बताना है ना आपको, ये कौन सा फ्लावर जल्दी बताओ। ये मामा का है, मामा का फेवरेट है। इसका क्या नेम है? रोज। ये मेरा फूल है, मैं इसको ले रही हूं। हाँ, तो सबका नाम आपको बताना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? रोज। क्या बोलते हैं? रोज। फिर इसको क्या बोलते हैं, येलो वाले को? इसको क्या बोलते हैं? सनफ्लावर। सनफ्लावर वो। हाँ, देखो बेटा तुम्हारा फेवरेट हिबिस्कस। हिबिस्कस बोलो। हिबिस्कस। हिबिस्कस, ठीक है। अब एक और बताते हैं बाबू को। मेरी तुम्हारा एक और फेवरेट जो पानी में होता है, उसे क्या बोलते हैं? लोटस। लोटस। खुश आमदीद। तो सुन लिया आप लोगों ने महरीन की बातें, और महरीन कुछ इसी तरह से आजकल पढ़ाई कर रही है और धीरे धीरे मैंने उसका आदत लगा दिया है पढ़ने का। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं बैठती थी और थोड़ा बहुत मतलब सुनती थी, और उसके बाद फिर मम्मा ये वो करके मुझे भी वो हटा देती थी। तो इस तरह से मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ शुरू कर दिया है ताकि वो कुछ सीखे। और अभी जैसा पीरियड चल रहा कोविड का, बच्चों को स्कूल भेजना वगैरह तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे, अब घर पे ही जो करना है सो करना है। और आज का वीडियो व्लॉग है, मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का चीला और बादाम और चने की चटनी, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये मूंग दाल का चीला और बादाम चने की चटनी, मस्त लगता है एकदम, और काफ़ी हेल्दी भी। और अगर आप चाह रहे हो ना कि कुछ वेट लॉस के लिए ये सब खाओ, मैं तो कुछ वेट लॉस के लिए नहीं ये सब कर रही हूँ, मुझे पसंद है ये, मुझे बहुत पसंद है ये खाना और बहुत इजीली बन जाता है। मेन रीज़न यही है इसका, बहुत इजीली। और इसकी रेसिपी अगर आप बोल देंगे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, बहुत इजी है। और सुबह सुबह नाश्ते में इसे बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसे ना मतलब अगर आप इसके कंसिस्टेंसी को अगर आप ज़्यादा पतला ना करो, गाढ़ा रखो और नॉनस्टिक पैन पे बनाओ ना, बिल्कुल डोसा जैसा टेस्ट करने लगता है, अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा। तो यही तैयारी चल रही है नाश्ते की, और ये नाश्ता तो बहुत अच्छा था, इसकी रेसिपी जल्द ही शेयर ही कर दूंगी। मेरे पास सारा वीडियो बनकर रखा हुआ, और अभी का जो वीडियो है ना ये बहुत सारी क्लिपिंग्स को जोड़कर बनाई है। साथ साथ मेरी टी चल रही है, सिनेमन टी, वो भी मैं पी रही हूँ और ये चीज़ बना रही हूँ। आप भी कुछ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी कुछ ऐसा चीज़ बताओ नाश्ते में बनाना जो कि बहुत लाइट हो और बहुत जल्दी झटपट बन जाता है, उस तरह की चीज़ अगर आप जानते हो बनाना तो एक ऑप्शन मुझे ज़रूर देना। तो इसे बिल्कुल डोसे जैसा आपको बनाना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मूंग दाल का चीला कह लीजिए, या मूंग दाल का छिलका कह लीजिए, या मूंग दाल का डोसा कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग नाम दे दीजिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बस जिंदगानी कटती चली जा रही है, अल्लाह से यही दुआ है कि बस जो भी अल्लाह ताला दे रहे हैं उसको अच्छे से हम लोग भोग लें, जो भी चीज़ दे रहे हैं अच्छे से हेल्दी रहें, बीमार ना पड़ें, और हंसी खुशी ये ज़िंदगी काट दें, और क्या चाहिए है ना। और ये बहुत कम तेल में ही बन जाता है, आप देख रहे कितने कम तेल को मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत कम तेल में ये बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया, इसका मज़ा मैं उठा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और विंटर अब शुरू होने वाला है, आज 1 अक्टूबर हो चुका है, तो मैंने कुछ विंटर की तैयारी कर ली। और बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स क्रीम मेरा मतलब फेवरेट है, फेवरेट मतलब इतने सारे क्रीम मैंने यूज़ कर ली, मेरे स्किन पे यही सूट करता है। बहुत सारा क्रीम यूज़ किया है, बहुत सारा ऐसा नहीं कि बहुत सारा, मतलब कि जो भी मुझे पसंद है उसमें से मैंने बहुत सारा क्रीम यूज़ किया जिसके रिव्यू अच्छे अच्छे थे,
उससे पॉन्ड्स ना बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है, ऑयली स्किन को कर देता है लेकिन मॉइस्चराइज़र वैसा ही अच्छा होता है। और इसको मैं प्रेफर करती हूँ पॉन्ड्स को लगाना रात के सोने के टाइम। अगर आप अभी से लगाना शुरू कर दो ना, आपका पूरा ठंड गुजर जाएगा और आपके चीक्स और लिप्स फटेंगे नहीं, इसका मैं दावा करती हूँ। पॉन्ड्स में ये खासियत है, अगर आप अभी से लगाना शुरू कर दो, अभी अक्टूबर है ना, आप रोज़ रात में पॉन्ड्स लगा कर सो जाओ, बहुत अच्छा फायदा करेगा। साथ में मैंने एक लॉरियल का भी एक फेस क्रीम लिया है, उसको मैं यूज़ करूँगी, अगर मुझे पसंद आया तो उसका रिव्यू जल्द शेयर करूँगी। और ये बाथरूम को फ्रेग्रेंस देने वाला, साथ में हल्दीराम का पापड़ भी लिया है, इसे भी मैं फ्राई करूँगी और खाऊँगी, अगर मुझे पसंद आया तो उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। ऐसे तो मैं लिज्जत पापड़ यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, जिसमें काली मिर्च दी हुई रहती है, लिज्जत पापड़ वो यूज़ करती हूँ। अभी मैंने हल्दीराम का लाया है और इन सबको मैंने डब्बों से हटा दिया। मुझे पता नहीं क्यों डब्बे में हर चीज़ को रखना पसंद नहीं है, मैं लाती हूँ और डब्बा डिस्कार्ड कर देती हूँ। और यहाँ पे भुनाई हो रही है सूजी की, और मुझे हलवा हमेशा बनाना रहता है नाश्ते में, तो सूजी को अगर आप इस तरह से भून कर रख लेंगी ना डब्बे में, तो बहुत आपका काम हल्का हो जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे काम मैं कर रही हूँ। यहाँ पे सारे मसाले जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ खाना बनाने के टाइम, तो उसको मैं पाउडर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च, ज़ीरा और कुछ मिक्स्ड मसाला, गरम मसाला सबको मैं घर पे ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो वो सब की तैयारी मैं लग गई, क्योंकि ये सब कर लेने से ना बहुत टाइम आपका बच जाता है। और बाहर का डब्बे वाला मसाला ना अच्छा होता है कभी कभी खाने पर, जो डब्बे का जो मसाला होता है, अगर आप उससे रोज़ खाना बना के खाओगे ना, मैं आपको दावा दे रही हूँ आप बोर हो जाओगे। और घर के मसाले का बना हुआ खाना अगर आप डेली भी खाओगे ना, तो बोर नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं, एरोमा नहीं होता जो बहुत हार्ड होता है। बाहर का किचन किंग मसाला खाकर देख लो आप, 4 से 5 दिन के दिन में ना उस मसाले से बोर हो जाओगे, पता नहीं मैं तो हो जाती हूँ। और मतलब फिर मुझे घर के ही मसालों का खाना बना हुआ अच्छा लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर शेयर करें अपनी फीलिंग्स। तो यही सब चल रहा है, ये सारे मसाले मैं पीस लूँगी गरम मसाला पहले। और गरम मसाला में भी मैं कुछ ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे बस इलायची की खुशबू, लौंग की खुशबू ही पसंद है, तो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और थोड़ा बहुत दालचीनी की। और जो बड़ी इलायची वगैरह होती है, नटमेग, जायफल वगैरह होता है ना, जावित्री, और बहुत सारे जो जो स्टार एनीस जिसको कहते हैं ना, वो सब मुझे खड़े ही डालना पसंद है, तो मैं उसे पीस कर नहीं देती हूँ कभी भी। और मैं डालती हूँ और उसके बाद फिर खड़ा उसे डालती हूँ, और जब मुझे उसे हटाना होता है, निकालना होता है, तो मैं उस चीज़ से निकाल भी देती हूँ। शाम का टाइम था, समोसा जलेबी खाया, और ये समोसा जलेबी किसी और दुकान से आई थी, लोकल शॉप से, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं था उतना, मैंने थोड़ा खाया फिर छोड़ दिया। और अब रात का प्रिपरेशन, रियली हम लोगों को ना बहुत सारा चीज़ बनाना पड़ता है, और रात के टाइम बन रही है रोहू फ़िश फ्राई, और उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई करने वाली हूँ, और ये फ़िश ना एकदम से ज़िंदी मछली आई थी घर पे नहीं सॉरी शॉप में ही ज़िंदी मछली थी, और घर पर इन्होंने कटवा कर लाई, और इसका टेस्ट ना ज़िंदी मछली, मतलब उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप इसको अच्छे से मसाले में मैरिनेट कर दो और फ्राई करो, कुरकुर सी मछली सलाद के साथ ना, मैं तो एक प्लेट खा जाऊँ, बहुत मज़े की लगती है। तो फ़िश मुझे बहुत पसंद है, साथ साथ चिकन भी पसंद है, तो चिकन नहीं ज़्यादा पसंद है, मतलब फ़िश मैं खा लेती हूँ, चिकन मुझे मंथ में 1 या 2 बार ही ठीक से खाना पसंद है, ऐसे नहीं। तो यही सब है, तो यहाँ पर मेरी कुरकुर सी फ़िश फ्राई बिल्कुल रेडी, बहुत मज़े की लगती, बहुत ज़्यादा मज़े की। अब रात का 11 बज चुका है, और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मेहंदी को लेकर, नूपुर मेहंदी, और शुरू से मैं नूपुर मेहंदी यूज़ करते आई हूँ। बीच में मैंने बहुत सारी अलग अलग मेहंदी को ट्राई किया, लेकिन फिर मैं घूम फिर कर नूपुर मेहंदी के पास ही आ गई हूँ। अगर आपको कोई पता है अच्छी सी मेहंदी का नाम, जो कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई, कोई केमिकल वगैरह नहीं, तो उसका नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें प्लीज़। और यहाँ पे मैं मेहंदी को रात भर इस लोहे की कढ़ाई में फुलाकर छोड़ने वाली हूँ, और इसमें मैंने ऐड किया है कॉफ़ी पाउडर, और इसे मैंने चायपत्ती के पानी में घोला है,
और भी इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किया है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी इतना ही कुछ मिलाकर इसे रात भर छोड़ने वाली हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई ना, मैंने आपसे कहा कि बहुत मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप बहुत तरीके के काम कर सकते हैं। इसमें स्टर फ्राई करके आप खाना भी बना सकते हो और मेहंदी भी फुला सकते हो और अच्छे से वॉश करके यूज़ करना। तो आज का व्लॉग ऐसा ही था, कैसा लगा नीचे कमेंट करें। टिल देन बाय बाय।